दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टा ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर को दुबई से गिरफ्तार किया जा चुका है, जहां इंटरपोल के अधिकारियों ने इसको पकड़ा है। 7 दिन के अंदर इसको भारत इम्पोर्ट किया जा सकता है। दरअसल महादेव सट्टा ऐप का संचालन करने वाले सौरभ चंद्राकर को इंटरपोल के अधिकारियों ने दुबई से गिरफ्तार किया है। दुबई की पुलिस और स्थानीय फोर्स के साथ मिलकर सीबीआई और ईडी के अधिकारियों ने सौरभ चंद्राकर से जुड़ी हर डिटेल इंटरपोल को दी थी। 7 दिन के अंदर इसको भारत लाया जा सकता है। साथ ही बताया जा रहा है कि गिरफ्तारी के बाद इंटरपोल के अफसर ने भारतीय विदेश मंत्रालय को इसकी खबर दी है और अब सौरभ चंद्राकर को भारत और फिर जल्द ही रायपुर लाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए दस्तावेजी काम अफसरों से जल्द ही निपटाया जाएगा। छत्तीसगढ़ में 16 तारीख से अखिल भारतीय वन खेलकूद महोत्सव आयोजित होने जा रहा है, जहां 23 खेलों में 3000 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। ओलंपिक पदक विजेता मनु और क्रिकेटर सूर्य कुमार खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए भी यहां पर हौसला अफजाई करने आने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में 16 से लेकर 22 अक्टूबर तक 27वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद महोत्सव आयोजित होने जा रहा है। इस महोत्सव में 23 खेलों की 300 विधाओं में लगभग 3000 खिलाड़ी हिस्सा लेने वाले हैं और इनमें लगभग 584 महिला जबकि 2320 पुरुष खिलाड़ी शामिल होंगे। इस प्रतियोगिता में 29 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, 6 वानिकी संस्थान और पर्यावरण, साथ ही वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधिकारी और कर्मचारी भी हिस्सा लेंगे। उद्घाटन समारोह में वर्ल्ड क्रिकेट के T20 के भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव शामिल होकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करेंगे, जबकि समापन समारोह में गोल्डन गर्ल मनु भाकर यहां पर सम्मिलित होने जा रही हैं। कवर्धा से बड़ी खबर, जहां कार से 5-500 के नोट से भरी थैलियां बरामद की गई, जहां 2,27,00,000 रुपए कैश लेकर मध्य प्रदेश से रायपुर के लिए 3 युवक आ रहे थे। हालांकि इस पर कोई दस्तावेज नहीं मिले हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में पुलिस ने एक कार से 2,27,00,000 रुपए से ज़्यादा के कैश को बरामद किया है। साथ ही कार सवार 3 युवकों को भी चिल्फी के पास से पकड़ा गया है। ये लोग मध्य प्रदेश के मंडला जिले से रायपुर जा रहे थे। मामला चिल्फी थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक चिल्फी थाना क्षेत्र के आबकारी चेक पोस्ट पर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही है और इसी दौरान सुबह तकरीबन 9:30 बजे मंडला की तरफ कार आ रही थी, जिसको चेक किया गया, जहां पर से ये बरामद किया गया। कार में 3 युवक सवार थे। पुलिस ने जब गाड़ी को रोककर जांच की तो उसमें 5-500 के नोटों के बंडल से भरी कई थैलियां पाई गई हैं। नोट इतने ज्यादा थे कि पैसे गिनने के लिए मशीन मंगवाई गई। रकम गिनने पर पता चला कि 2,27,50,000 रुपए का कैश है। पूछताछ में युवकों ने बताया कि रायपुर में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए ले जा रहे हैं, लेकिन कोई भी वैध दस्तावेज नहीं दिखाया जा सका। छत्तीसगढ़ में अगले सत्र से 4 नए मेडिकल कॉलेज शुरू हो सकते हैं। मनेंद्रगढ़, जांजगीर चांपा, कबीरधाम और गीदम में भवन के लिए ई टेंडर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में अगले शिक्षण सत्र से 4 और मेडिकल कॉलेज शुरू हो सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि शुक्रवार को इन कॉलेजों के भवन निर्माण के लिए ई टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उल्लेखनीय है कि यहां मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, साथ ही जांजगीर चांपा, कबीरधाम और दंतेवाड़ा के गीदम में मेडिकल कॉलेज खोलने का वादा किया गया था, जब सरकार ने अब उस पर अमल करना शुरू कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बीते दिन मनेंद्रगढ़ में इस संबंध में जानकारी दी और अब उन्होंने बताया कि मेडिकल कॉलेज भवन निर्माण के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। प्रदेश के 4 मेडिकल कॉलेज के भवन के लिए 1,220 करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया गया है और साथ ही अगले शिक्षण सत्र से 4 नए मेडिकल कॉलेज मिलने वाले हैं। इस आशय की जानकारी बीते दिन मनेंद्रगढ़ में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने दी है। उपचुनाव की तैयारियों में कांग्रेस जुटी हुई है, जहां रायपुर दक्षिण विधानसभा में 20 नवंबर को कार्यकर्ता सम्मेलन होने वाला है, जिसमें सचिन पायलट समेत तमाम नेता शिरकत करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के दक्षिण विधानसभा सीट पर उपचुनाव से पहले कांग्रेस विधानसभा स्तरीय सम्मेलन का आयोजन करेगी और ये आयोजन 20 नवंबर को आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट समेत तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। सम्मेलन के माध्यम से दक्षिण विधानसभा के कार्यकर्ता
को मार्गदर्शन दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि पीसीसी चीफ दीपक बैज के नेतृत्व में राजीव भवन में कांग्रेस नेताओं की एक बैठक हुई थी, जहां स्थानीय नेताओं ने बाहरी प्रत्याशियों का विरोध करते हुए कहा है कि स्थानीय और संघर्ष करने वाले कार्यकर्ता को ही टिकट मिलना चाहिए। प्रमोद दुबे, कन्हैया अग्रवाल, आकाश शर्मा ने कहा कि स्थानीय कार्यकर्ताओं को ही अवसर मिले और हम पार्टी से इसकी अपील करेंगे। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकायों के कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है, जहां हर महीने की पहली तारीख को वेतन सरकार अब इनके खाते में जमा करने वाली है। छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों में काम करने वाले अफसरों और कर्मचारियों के लिए दिवाली त्यौहार को मद्देनजर रखते हुए बड़ा फैसला किया गया है, जिसके अंतर्गत अब वेतन भुगतान की तारीखों को बदलाव कर दिया गया है। इसको लेकर नगरीय प्रशासन विभाग ने सूबे के सभी नगरीय निकायों को निर्देश जारी किया है। अफसरों की माने तो अब तक नगरीय निकायों में कर्मचारियों और अफसरों को हर महीने की 7 तारीख को वेतन दिया जाता था, लेकिन अब इन तारीखों में बदलाव किया जा रहा है। साथ ही नगरीय प्रशासन और विकास विभाग की ओर से राज्य के सभी निकायों के प्रमुखों को जारी निर्देश में कहा गया है कि अधिकारियों और कर्मचारियों को हर महीने की 7 तारीख के स्थान पर अब 1 तारीख को भुगतान किया जाएगा नगरीय निकायों के कर्मचारियों को। दरिमा एयरपोर्ट को 21 अक्टूबर को उद्घाटन प्रस्तावित है, जहां पीएम मोदी इसकी वर्चुअली रूप से शुभारंभ कर सकते हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसके लिए ईमेल भेजा है। सरगुजा जिले के दरिमा एयरपोर्ट का उद्घाटन 21 अक्टूबर को प्रस्तावित है, जहां संभावित तिथि घोषित होने के बाद दरिमा एयरपोर्ट पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। दरिमा से 19 सीटर हवाई सेवा प्रस्तावित है। वहीं पहले हवाई सेवा शुरुआत करने की प्रस्तावित तिथि 26 सितंबर थी, जिसे टाल दिया गया। सरगुजा संभाग मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर स्थित मां महामाया एयरपोर्ट का डीजीसीए ने लाइसेंस मार्च 2024 में जारी किया। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के कारण न तो एयरपोर्ट का उद्घाटन हो सका और न ही हवाई सेवा शुरू हो पाई। विधायक प्रबोध मिंज ने बताया कि संभावित तिथि यही है, पीएम वर्चुअली रूप से इसका उद्घाटन कर सकते हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों ने, यानी डॉक्टर शरद कुमार ने, रायपुर एयरपोर्ट के डायरेक्टर डॉक्टर एसडी शर्मा को इसके बाबत ईमेल भेजा है। रायपुर में दीपक बैज ने कहा कि 1 नवंबर से ही धान खरीदी की शुरुआत हो। कहा, किसानों से 200 लाख मीट्रिक टन धान खरीदे सरकार। मंत्रिमंडलीय उप समिति ने तारीखें अभी तक नहीं तय की हैं। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर अब तक की तारीखों को तय नहीं कर दिया गया है और न ही धान खरीदी के लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक हो पाई है। ऐसे में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने मांग की है कि धान खरीदी की शुरुआत 1 नवंबर से ही होनी चाहिए। बैज ने कहा कि 1 नवंबर से धान खरीदी की घोषणा राज्य सरकार जल्द करे, साथ ही किसानों से 200 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी सरकार करे। बैज ने कहा कि धान उप समिति की अभी तक कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है, जिसके कारण किसानों में चिंता का माहौल है। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय को लेकर खबर, जहां प्रदेश के लिए अब प्रवेश के लिए 3 बार तारीखों में बदलाव किया गया, 3 बार तारीखों को बढ़ाया गया, लेकिन फर्स्ट ईयर की अभी तक 50,000 सीटें एक बार फिर खाली रह गई हैं। प्रदेश के कॉलेजों में प्रवेश के लिए 3 बार तारीखों को बढ़ाया गया, इसके बावजूद यूजी फर्स्ट ईयर की 50,000 से अधिक सीटें खाली रह गई हैं। फर्स्ट ईयर में इसी सत्र से राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP लागू हो चुकी है और इस बार वार्षिक की जगह फर्स्ट ईयर की पढ़ाई सेमेस्टर पद्धति से होने जा रही है और अब इसके अनुसार फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा दिसंबर से जनवरी में आयोजित होगी। इसको लेकर पहले प्रवेश की आखिरी तारीख 31 जुलाई निर्धारित की गई थी, बाद में 30 सितंबर तक प्रवेश के लिए आवेदन दिया गया, हालांकि इसका ज़्यादा फायदा नहीं मिला। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, सरगुजा विश्वविद्यालय, दुर्ग विश्वविद्यालय, बिलासपुर, रायगढ़ विश्वविद्यालय, साथ ही बस्तर विश्वविद्यालय समेत अन्य राजकीय विश्वविद्यालय हैं और इनसे संबद्ध तकरीबन 650 कॉलेजेस हैं, जिनमें BA, BCom, BSc समेत अन्य UG फर्स्ट ईयर की तकरीबन 180,000 सीटें हैं और इस बार 50,000 सीटों पर एडमिशन इन कॉलेजों में नहीं हुआ है। रायपुर की साइंस कॉलेज चौपाटी अब शिफ्ट होने जा रही है। नगर निगम कमिश्नर ने कहा कि आसपास जगह की तलाशी शुरू हो चुकी है, जबकि पूर्व मंत्री मूरत ने इसको हटवाने के लिए प्रदर्शन किया हुआ था। रायपुर के साइंस कॉलेज स्थित चौपाटी की शिफ्टिंग की तैयारी नगर निगम कर रहा है। इसके लिए निगम आसपास वेंडिंग जोन के लिए जगह की तलाशी कर रही है। हालांकि अब तक निगम के अफसर इसके लिए कोई भी फाइनल जगह फिक्स नहीं कर पाए हैं। इस चौपाटी को हटवाने के लिए पूर्व मंत्री राजेश मूरत ने धरना प्रदर्शन किया था।
इस मामले को लेकर नगर निगम कमिश्नर अविनाश मिश्रा ने बताया कि निगम की बैठक साइंस कॉलेज चौपाटी को हटवाने के लिए चर्चा की गई है और इस चौपाटी को आसपास के किसी भी जगह पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। इसके लिए निगम के अफसर वेंडिंग जोन की तलाश कर रहे हैं। जगह फाइनल होते ही जाँच के बाद शिफ्टिंग की कार्यवाही कर दी जाएगी। हालांकि इस मामले में फिलहाल कोई भी ऑफिशियल आदेश जारी नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ के 8 अस्पतालों का आयुष्मान लाइसेंस रद्द किया जा चुका है। पैकेज में अनियमितता, रायपुर सिटी के 24 समेत अन्य कई अस्पतालों पर ये कार्यवाही हुई है। छत्तीसगढ़ में आयुष्मान भारत योजना के पैकेज में गड़बड़ी करने वाले 8 अस्पतालों का लाइसेंस राज्य नोडल एजेंसी ने निरस्त कर दिया है। इन अस्पतालों में अब आयुष्मान के जरिए इलाज नहीं किया जाएगा और न ही अस्पताल को इस योजना से जुड़ा कोई भी लाभ मिल पाएगा। आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के नियम के खिलाफ काम करने वाले अस्पतालों पर नियमित रूप से ये कार्यवाही की जा रही है। साथ ही बात करें तो सिटी 24 हॉस्पिटल रायपुर, जयपतई माता हॉस्पिटल पटेवा महासमुंद, साथ ही स्वर्गीय विद्याभूषण ठाकुर मेमोरियल हॉस्पिटल राजनांदगांव, साई नमन हॉस्पिटल महासमुंद, उम्मीद केयर हॉस्पिटल बालोद और वेगस हॉस्पिटल बिलासपुर का मिली शिकायतों पर कार्यवाही करते हुए इन तमाम हॉस्पिटल्स का पंजीयन रद्द किया गया है। प्रदेश में 517 मेगावाट बिजली सोलर से उत्पादित हो रहा है और राजनांदगांव में देश का पहला सोलर प्लांट स्थापित हो रहा है, जहां बैटरी से बिजली स्टोर होगी और फिर भिलाई में फ्लोटिंग प्लांट निर्मित होने जा रहा है। प्रदेश में कोयले के स्टॉक में लगातार हो रही कमी और बिजली की बढ़ती मांग को असंतुलन का खतरा हो सकता है और इससे बचने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी ही एक सबसे बड़ा माध्यम है। इसका सबसे बड़ा स्रोत सोलर एनर्जी है और ये ऐसी एनर्जी है जो कभी खत्म हो नहीं सकती। इसीलिए केंद्र सरकार ने 2030 तक देश में सोलर एनर्जी की क्षमता 500 गीगावाट तय करने का लक्ष्य रखा है, जिस पर केंद्र सरकार इस लक्ष्य को पूरा करने में छत्तीसगढ़ लगातार आगे बढ़ रहा है। प्रदेश में सोलर एनर्जी की कुल क्षमता 517 मेगावाट जा पहुंची है और ये प्रदेश के सभी स्रोतों से बिजली उत्पादन की कुल क्षमता यानी 7858 मेगावाट का 7% है। इसमें छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में शुरू हुए देश के सबसे बड़े सोलर प्लांट की भूमिका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। बस्तर दशहरा के लिए माँ दंतेश्वरी की डोली रवाना कर दी गई है, जहां पुलिस जवानों ने सलामी देकर के डोली को रवाना किया। ऐतिहासिक बस्तर दशहरा में शामिल होने माँ दंतेश्वरी की डोली और छत्र जगदलपुर के लिए रवाना हो गई है। पुलिस जवानों ने माँ दंतेश्वरी की डोली को सलामी दी और इस दौरान बड़ी संख्या में लोग दंतेश्वरी माता के डोली और छत्र दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। नगर में जहां महादंतेश्वरी की जो है डोली और छत्र पहुंची, वहां लोगों ने पूरे नगर और रोड को रंगोली और फूलों से सजाया था। बता दें कि हर साल बस्तर के राज परिवार नवरात्रि की पंचमी तिथि को दंतेवाड़ा पहुंचकर माँ दंतेश्वरी को बस्तर दशहरा में शामिल होने का निमंत्रण देते हैं। इसके बाद महाअष्टमी के दिन माँ दंतेश्वरी की डोली को लेकर मंदिर के पुजारी जिया बाबा बस्तर दशहरा के लिए रवाना होते हैं, लेकिन इस बार माँ की डोली नवमी को रवाना की गई है और बड़े ही धूमधाम से ये माँ की डोली को पुलिस जवानों ने जो है यहाँ पर सलामी देते हुए रवाना किया है। बीजेपी सांसद भोजराज नाग का एक और वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें ये नींबू काटकर भूत उतारने की बात कहते नजर आ रहे हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के कांकेर लोकसभा सीट से भाजपा के सांसद भोजराज नाग ने अधिकारियों को चेतावनी दी है कि उन्होंने कहा कि पुरानी मानसिकता के कुछ अधिकारी हैं, वह अपनी मानसिकता त्याग दें, 6 महीने बाद फिर से काम करेंगे, जिसमें किसी भी प्रकार का रोना नहीं आना चाहिए। 6 महीने बाद मैं फिर भूत उतारूंगा। सांसद नाग ने कहा कि सरकार के विकास कार्य में जो बाधा आ रही है उसे नींबू काट कर दूर कर दूंगा। चुनाव जीते 5 महीने हो गए हैं और जैसे ही 6 महीने हो जाएंगे वो फिर से नींबू काट कर भूत उतारना शुरू कर देंगे। ये बातें उन्होंने कांकेर के पंखाजूर में जिला स्तरीय आवास मेला के दौरान कही है। सांसद नाग ने मंच से कहा कि जिन प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि होने के नाते जनता की जो समस्या है उसको सरकार की योजना के अनुसार पूरा करेंगे। कोई बाधा आती है तो उसको नींबू काट कर दूर करेंगे। इसका मतलब यह है कि जो नकारात्मक शक्ति है, जो गलत शक्ति है, उसे दूर करेंगे।
नक्सलियों को हथियार सप्लाई करने वाले दो लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें यूपी के प्रयागराज से गिरफ्तारी हुई है। बस्तर के अर्बन नेटवर्क की तरह ही यह काम करते थे। छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलियों को हथियार सप्लाई करने वाले दो लोगों को एनआईए ने गिरफ्तार किया है। इनकी गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से की गई है। बताया जा रहा है कि दोनों ही नक्सलियों के अर्बन नेटवर्क कनेक्शन थे। नक्सलियों ने अब तक अपने किसी भी माध्यम से यूपी से हथियार पहुँचाया करते थे। इसके पहले भी एनआईए ने हथियार सप्लाई करने के मामले में कुछ लोगों की गिरफ्तारी की थी। उनसे पूछताछ के बाद एक बार फिर प्रयागराज के एक ठिकाने पर दबिश दी गई, जहां से सुधीर त्रिपाठी और सूरज निषाद नाम के दो लोगों को पकड़ा गया। ये दोनों नक्सलियों तक हथियार और फिर गोला बारूद पहुंचाने का काम करते थे।